हेलो स्टूडेंट, आई एम ऐश्वर्या कात्रे एंड इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। देन फर्स्ट देखेंगे कि हम सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं। डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन है, लेट हमने बोला है कि अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी सेकेंड ऑर्डर सेमी लीनियर। कब बोलेंगे सेमी लीनियर? इफ इट कैन बी पुट, इट कैन बी पुट इन द फॉर्म, वो फॉर्म है आर ऑफ एक्स वाई यू एक्स एक्स यू ऑफ एक्स एक्स प्लस प्लस एस ऑफ एक्स वाई यू एक्स वाई प्लस टी ऑफ एक्स वाई यू वाई वाई प्लस जी ऑफ एक्स वाई यू एक्स यू वाई इज इक्वल्स टू जीरो। गिव्स एन इक्वेशन नंबर, गिव्स एन इक्वेशन नंबर वन एंड वेयर आर स्क्योर प्लस एस स्क्योर प्लस टी स्क्योर इज नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड आर एंड एस टी आर एस टी आर द कंटिन्यूअस फंक्शन आर कंटिन्यूअस फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई। देन एक फंक्शन कंसिडर करेंगे यू, कौन सा फंक्शन? यू इक्वल्स टू यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड दिस फंक्शन इज कॉल्ड एज रेगुलर सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर वन इन अ डोमेन डी। इस फंक्शन को बोलेंगे हम रेगुलर सोल्यूशन। किसका? इक्वेशन वन का ये रेगुलर सोल्यूशन है। देन हम बोलेंगे कि यू बिलोंग्स टू द सी स्क्वायर ऑफ डी एंड द फंक्शन इट्स एंड इट्स डेरिवेटिव इट्स एंड इट्स फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव सेटिस्फाइड द इक्वेशन वन आइडेंटिफाइंग इन एक्स एंड वाई एंड एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू द डी बोलेंगे हम इन अ डोमेन डी। देन नेक्स्ट देखेंगे, देन हमारा टॉपिक है कि क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तीन टाइप में डिफरेंट सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल डिफाइंड क्लासिफाइड किया है। कौन सा है वो फॉर्म? देन देन फर्स्ट क्लासिफिकेशन देखेंगे। फर्स्ट फॉर्म रहता है एस स्क्योर माइनस फोर आर टी इज ग्रेटर देन जीरो। सेकेंड फॉर्म है एस स्क्योर माइनस फोर आर टी इक्वल्स टू जीरो एंड थर्ड फॉर्म है एस स्क्योर माइनस फोर आर टी इज लेस देन जीरो। देन हम एक एक करके तीनों का देखेंगे कि मतलब क्या बोलते हैं। फर्स्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड को हम क्या बोलते हैं देखेंगे एक एक करके। देन फर्स्ट हमने बोला है इफ एस स्क्योर माइनस फोर आर टी इज ग्रेटर देन जीरो, देन इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे? देन द पीडीएफ इज सेड टू बी हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक ये वाली इक्वेशन एस क्यू माइनस फोर आर टी ग्रेटर देन जीरो देन इज कॉल्ड एज हाइपरबोलिक फंक्शन। एंड एग्जाम्पल देखेंगे, इसका एग्जाम्पल कौन सा रहता? वेव इक्वेशन का, हाइपरबोलिक का रहता है वेव इक्वेशन का फॉर्मूला। देन हियर बोलेंगे हम एस इक्वल्स टू जीरो आर इक्वल्स टू वन एंड टी इक्वल्स टू माइनस वन बाय सी स्क्योर। देन पुट करके देखेंगे एस स्क्योर माइनस फोर आर टी, एस की वैल्यू कितनी है? जीरो माइनस फोर, आर की वैल्यू वन एंड टी की वैल्यू माइनस वन बाय सी होल स्क्योर। देन कितना आया? फोर बाय सी स्क्योर एंड इज ग्रेटर देन जीरो। देन इक्वेशन मिल गया हमें फोर एस स्क्योर माइनस फोर आर टी ग्रेटर देन जीरो, वेव इक्वेशन में प्रूव होता। देन सेकेंड है, देन नेक्स्ट सेकेंड है एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी इज इक्वल टू जीरो एंड देन द पीडीएफ इज सेड टू बी पैराबोलिक। क्या बोलेंगे इसको? पैराबोलिक। एंड इसका एग्जाम्पल देखेंगे, इसका एग्जाम्पल रहता है हीट इक्वेशन का। क्या क्या रहता है? हीट इक्वेशन का यू एक्स इक्वल टू के यू वाई वाई, दिस इज हीट इक्वेशन का हीट इक्वेशन है। देन एस इक्वल्स टू जीरो बोलेंगे, आर इक्वल्स टू जीरो एंड टी इक्वल्स टू माइनस के। देन
पुट करेंगे वैल्यू, 4RT इक्वल्स टू एस की वैल्यू 0 माइनस 4 आर की वैल्यू 0 एंड टी की माइनस के, देन इज यूज द 0, देन सेटिस्फाइड हुआ हमारा एस क्यू माइनस 4RT इक्वल्स टू 0। इसीलिए बोलेंगे हीट इक्वेशन ये वाली कंडीशन प्रूव करता है। देन थर्ड है एस क्यू माइनस 4RT इज लेस देन 0, देन दिस गिवन PDE इज सेड टू बी इलिप्टिक फंक्शन। क्या बोलेंगे इसको? इलिप्टिक बोलेंगे। और इसका एग्जाम्पल है लाप्लास, क्या क्या है? लाप्लास इक्वेशंस। और लाप्लास इक्वेशंस क्या रहता है? यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इक्वल्स टू 0, दैट इज मीन्स एस की वैल्यू 0 है, आर की वैल्यू 1 है एंड टी की वैल्यू 1 है। देन एस क्यू माइनस 4RT में पुट करेंगे एस की वैल्यू 0 माइनस 4 1 इंटू 1, देन क्या आया? माइनस 4 एंड इज लेस देन 0। देन लेस देन 0 एक कंडीशन प्रूव की हमारी, ये कंडीशन किस इक्वेशन ने प्रूव की? लाप्लास ने, और इसको हम बोलेंगे इलिप्टिक। देन नेक्स्ट एक थ्योरम देखेंगे हम, उस पे से सब क्लियर हो जाएगा। देन नेक्स्ट थ्योरम है, हमें एक सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है एंड बोलेंगे कैन बी रिड्यूस टू अ वन ऑफ द कैनोनिकल फॉर्म एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्री कंडीशंस। हमें जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको रिड्यूस करना है कौन से फॉर्म में? हाइपरबोलिक, पैराबोलिक एंड इलिप्टिक फॉर्म में। ये जो इक्वेशन है ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड करता है, ये हमें इस थ्योरम में देखना है। देन फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इसका प्रूफ। फर्स्ट है गिवन पार्शियल, देन गिवन है हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेंगे एंड वे बोला है आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 रहता। देन विच मे बी रिटन इन द फॉर्म, कौन से फॉर्म में रहता? एल ऑफ यू प्लस जी इक्वल्स टू 0 एंड वेयर एल क्या रहता है? आर डेल टू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस एस डेल टू बाय डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस टी डेल टू बाय डेल y स्क्वायर एंड इज द डिफरेंशियल ऑपरेटर इन विच r s t आर कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ x एंड y। देन बोलेंगे द चेंज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देन चेंज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल? एक्स एंड वाई आर द इंडिपेंडेंट, आर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू। हम क्या करेंगे उनको रिप्लेस करेंगे सिग्मा एंड ईटा से। देन चूज बोलेंगे सिग्मा इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ एक्स एंड वाई एंड ईटा इज ईटा ऑफ एक्स एंड वाई एंड सच दैट डेल्टा ऑफ सिग्मा ईटा अपॉन डेल्टा एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो। देन नाउ यू इक्वल्स टू एक्स एंड वाई है तो उसको रिप्लेस करेंगे यू इक्वल्स टू यू ऑफ ईटा एंड जीटा सिग्मा एंड ईटा से। देन दस यू एक्स इक्वल्स टू यू ऑफ सिग्मा ऑफ एक्स प्लस यू ऑफ एक्स इंटू सॉरी यू ऑफ ईटा एंड ईटा ऑफ एक्स। देन वी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यू ऑफ सिग्मा ऑफ वाई प्लस यू ऑफ ईटा ऑफ वाई। देन नेक्स्ट यू ऑफ जेड को कैसे करेंगे? यू ऑफ सिग्मा ऑफ जेड प्लस यू ऑफ ईटा ऑफ जेड। देन यू ऑफ एक्स वाई क्या आएगा? हम यू एक्स ऐसे भी लिख सकते यू ऑफ एक्स वाई को। देन यू एक्स की वैल्यू क्या है? देन इधर दी है क्या है? यू ऑफ सिग्मा ऑफ एक्स प्लस यू ऑफ ईटा ऑफ
एक्स एन वाई, देन यू ऑफ ईटा यू ऑफ सिग्मा सिग्मा इंटू सिग्मा ऑफ वाई प्लस यू ऑफ सिग्मा ईटा ईटा ऑफ वाई इंटू सिग्मा ऑफ एक्स प्लस यू ऑफ सिग्मा सिग्मा ऑफ एक्स एंड वाई प्लस यू ऑफ सिग्मा ईटा ईटा ऑफ सिग्मा ऑफ वाई प्लस यू ऑफ ईटा 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 ऑफ वाई देन ईटा ऑफ एक्स प्लस यू ऑफ ईटा एंड ईटा ऑफ एक्स एंड वाई। देन सॉल्व करेंगे इसको, यू ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू क्या आएगा, यू ऑफ सिग्मा 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 ऑफ एक्स इंटू सिग्मा ऑफ वाई प्लस यू ऑफ ईटा 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 ऑफ एक्स ईटा ऑफ वाई प्लस यू ऑफ सिग्मा ईटा सिग्मा ऑफ एक्स ईटा ऑफ वाई प्लस ईटा ऑफ एक्स इंटू सिग्मा ऑफ वाई प्लस यू ऑफ सिग्मा सिग्मा ऑफ एक्स वाई प्लस यू ऑफ ईटा ईटा ऑफ एक्स वाई। देन नेक्स्ट नेक्स्ट फाइंड करेंगे हम यू एक्स एक्स क्या आएगा, देन सेम जैसे हमने ऊपर का किया है वैसे ही यू ऑफ एक्स एंड एक्स आएगा बाहर, देन सेम एज इट इज जैसे ऊपर की टर्म आई वैसे ही सेम आएंगी, तो डायरेक्ट टर्म लिखू मैं डायरेक्ट टर्म लिखती हूँ क्या आएगा यू ऑफ सिग्मा 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 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस यू ऑफ ईटा 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 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टॉइस यू सिग्मा ऑफ एक्स ईटा ऑफ एक्स प्लस यू ऑफ सिग्मा सिग्मा एक्स एक्स प्लस यू ऑफ ईटा ईटा ऑफ एक्स एक्स। देन सिमिलरली वी ऑप्टेन यू ऑफ वाई वाई यू ऑफ वाई वाई क्या आएगा सेम एज इट इज यू ऑफ सिग्मा 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 ऑफ वाई स्क्वायर प्लस यू ऑफ ईटा 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 ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस यू सिग्मा ईटा सिग्मा ऑफ वाई ईटा ऑफ वाई प्लस यू ऑफ सिग्मा सिग्मा ऑफ वाई वाई प्लस यू ऑफ ईटा ईटा ऑफ वाई वाई। देन हमने ये तीन वैल्यूज फाइंड आउट की है, ये तीनों भी वैल्यू अब हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करनी है, देन सब्स्टिट्यूट करेंगे दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, देन सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ कौन सी वैल्यू है यू ऑफ एक्स एक्स यू ऑफ वाई वाई एंड यू ऑफ एक्स वाई की वैल्यू पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर वन में, एंड वी गेट इक्वेशन नंबर वन सबसे स्टार्टिंग में इक्वेशन नंबर वन दिया है, देन वी गेट क्या है आर ऑफ यू ऑफ सिग्मा 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 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस यू ऑफ ईटा 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 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस यू सिग्मा ऑफ एक्स ईटा ऑफ एक्स प्लस यू ऑफ सिग्मा सिग्मा ऑफ एक्स एक्स प्लस यू ऑफ ईटा ईटा ऑफ एक्स एक्स। देन नेक्स्ट हमने वैल्यूज पुट की है किसकी, आर लिया है इधर लिया है यू ऑफ एक्स एक्स, देन एस यू ऑफ एक्स वाई की वैल्यू, देन प्लस टी यू ऑफ वाई वाई की वैल्यू एंड प्लस जी एज इट इज एन इक्वल्स टू जीरो। देन नेक्स्ट आएगा हम जो हमारा इक्वेशन है उसमें से हम यू ऑफ सिग्मा सिग्मा को कॉमन निकालेंगे तो क्या बाकी रहेगा आर ऑफ सिग्मा ऑफ एक्स होल स्क्वायर प्लस एस सिग्मा ऑफ एक्स सिग्मा ऑफ वाई प्लस टी सिग्मा ऑफ वाई होल स्क्वायर प्लस यू ऑफ ईटा ईटा आर ईटा एक्स होल स्क्वायर प्लस एस। नेक्स्ट है यू ऑफ ईटा ईटा क्या लिखा है आर ऑफ देन यहां से यू ऑफ ईटा ईटा कॉमन निकाला है तो क्या बची है टर्म ईटा एक्स ईटा वाई प्लस टी ईटा वाई स्क्वायर, देन प्लस क्या कॉमन निकालेंगे यू ऑफ सिग्मा ईटा, देन बचेगा टू आर सिग्मा एक्स प्लस टॉइस टी सिग्मा वाई ईटा वाई देन इक्वल्स टू कैपिटल जी ऑफ
सिग्मा ईटा यू यू ऑफ एक्स एंड यू ऑफ सॉरी यू ऑफ सिग्मा एंड यू ऑफ ईटा. देन यहां तक की टर्म समझी. देन इक्वेशन नंबर वन बिकम्स क्या बोलेंगे, ए इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई इंटू यू ऑफ सिग्मा प्लस टॉइस बी सिग्मा ऑफ एक्स वन सिग्मा ऑफ वाई वन देन ईटा ऑफ एक्स एंड ईटा ऑफ वाई देन टू यू ऑफ सिग्मा इंटू ईटा प्लस प्लस ए ऑफ ईटा एक्स ईटा वाई यू ऑफ ईटा ईटा इक्वल्स टू जी ऑफ ईटा सिग्मा ईटा यू यू ऑफ सिग्मा यू ऑफ ईटा गिव्स अस इक्वेशन नंबर टू. एंड वेयर यहाँ क्या बोले हमने, ए ऑफ यू वी ए ऑफ यू वी इक्वल्स टू हमने बोला आर यू स्क्योर प्लस एस यू वी प्लस टी इंटू वी स्क्योर एंड बी ऑफ यू वन वी वन एंड यू टू वी टू इज आर ऑफ यू वन यू टू प्लस एस बाय टू यू वन वी टू प्लस वी टू यू टू वी वन प्लस टी ऑफ वी वन वी टू. देन नेक्स्ट हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर टू निकाला है. देन द प्रॉब्लम इज चूज क्या चूज सिग्मा और ईटा सो दैट द इक्वेशन टू टेक्स द सिंपल फॉर्म एंड दिस कैन बी अलोंग बाय द चूजिंग सिग्मा एंड ईटा सो दैट द कोएफिशिएंट ऑफ यू ऑफ सिग्मा सिग्मा एंड यू ऑफ ईटा ईटा इज द इक्वेशन नंबर टू इज वैनिशेज. देन लेट बोलेंगे लेट ए इक्वल्स टू यू वी इज इक्वल्स टू जीरो. देन ए की क्या ए को क्या बोला हमने आर यू स्क्वायर प्लस एस यू वी प्लस टी इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो बोला हमने. देन इसको हम सॉल्व करेंगे. देन डिवाइडिंग दी बोथ साइड वी स्क्वायर देन क्या आएगा यहाँ पे आर इंटू यू बाय वी होल स्क्वायर प्लस एस इंटू यू बाय वी प्लस टी वी कैंसल देन इक्वल्स टू जीरो एंड पुट करेंगे यू बाय वी इज इक्वल्स टू बोला हमने अल्फा एंड वी हैव आर अल्फा स्क्वायर प्लस एस अल्फा प्लस टी इज इक्वल्स टू जीरो. एंड देन अल्फा की वैल्यू क्या है अल्फा इक्वल्स टू माइनस एस प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एस क्यू माइनस फोर आर टी एंड गिव्स एन इक्वेशन नंबर थ्री. देन केस फर्स्ट बोलेंगे हम देन केस फर्स्ट है क्या है हमारी केस फर्स्ट केस फर्स्ट है हमारी लेट एस क्यू माइनस फोर आर टी हम बोलते हैं इज ग्रेटर देन जीरो. देन लेट्स इक्वेशन नंबर वन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स से अल्फा इक्वल्स टू लैम्डा वन एंड लैम्डा टू दो रूट्स लिए हमने. देन अल्फा वन इक्वल्स टू क्या है यू अपॉन वी एंड यू अपॉन वी इक्वल्स टू लैम्डा टू. देन सिग्मा ऑफ एक्स एंड अपॉन सिग्मा ऑफ वाई इक्वल्स टू लैम्डा वन ऑफ एक्स वाई बोलेंगे एंड ईटा एक्स अपॉन ईटा वाई इक्वल्स टू बोलेंगे हम लैम्डा टू एक्स वाई. देन क्या आएगा इसको सॉल्व करेंगे सिग्मा ऑफ एक्स एज इट इज देन सिग्मा वाई इधर गया तो क्या होगा सिग्मा वाई इंटू लैम्डा वन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो एंड ईटा एक्स इक्वल्स टू ईटा ऑफ वाई लैम्डा टू ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू जीरो. देन सॉरी ये माइनस साइन आएंगे हम इधर लेके आए तो देन इक्वल्स टू जीरो. दीज आर कॉसिलीनियर दीज आर कॉसी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन सिग्मा एंड ईटा. देन इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन देन ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएंगे इसके डी एक्स अपॉन वन आएगा डी वाई अपॉन आएगा माइनस लैम्बडा वन एक्स कॉमा वन एंड डी ऑफ सिग्मा आएगा जीरो एंड डी एक्स अपॉन वन इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस लैम्बडा टू एक्स वाई डी ईटा ऑफ जीरो. देन फर्स्ट टू टर्म्स कंसिडर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू आएगा ये टू फ्रैक्शन कंसिडर किए हैं तो क्या आएगा माइनस लैम्डा वन एक्स अपॉन वाई एंड डी
सिग्मा इक्वल्स टू जीरो एज इट इज एंड ऑल्सो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू माइनस लैम्डा टू एक्स वाई एंड डी ऑफ ईटा इक्वल्स टू जीरो. देन डी वाई प्लस लैम्डा वन ऑफ डी एक्स इक्वल्स टू जीरो बोला है एंड देन इंटीग्रेट किया हमने इस इक्वेशन को. दोनों भी इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे और इक्वल्स टू जीरो आएगा. और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सेकेंड टर्म को इंटीग्रेट करेंगे तो डी वाई प्लस लैम्डा टू डी एक्स इक्वल्स टू जीरो एंड ईटा इक्वल्स टू सी वन बोलो. देन वाई प्लस लैम्डा वन एक्स इक्वल्स टू सी टू एंड सिग्मा इक्वल्स टू सी वन. देन सिग्मा इक्वल्स टू एफ वन ऑफ एक्स वाई इज अ फंक्शन. सिग्मा इज अ फंक्शन ऑफ एफ वन ऑफ एक्स वन हमने कंसिडर किया है. एंड देन नेक्स्ट वाई प्लस लैम्डा टू एक्स इक्वल्स टू सी टू एंड ईटा इज इक्वल्स टू सी वन एंड ईटा इज अ फंक्शन ऑफ एफ टू ऑफ एक्स कॉमा वाई. देन दिस चूज ऑफ सिग्मा एंड ईटा मेकिंग ए सिग्मा ऑफ एक्स एंड सिग्मा ऑफ वाई एंड इज इक्वल टू जीरो एंड ए ऑफ ईटा ऑफ एक्स एंड ईटा ऑफ वाई इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो एंड देयरफॉर द इक्वेशन नंबर देन देयरफॉर द इक्वेशन नंबर टू रिड्यूसेस टू टॉइस बी सिग्मा ऑफ एक्स सिग्मा ऑफ वाई देन ईटा ऑफ एक्स ईटा ऑफ वाई यू ऑफ ईटा सिग्मा ईटा इक्वल्स टू जीओ सिग्मा ईटा यू यू ऑफ सिग्मा एंड यू ऑफ ईटा. बिकॉज इक्वेशन नंबर टू में जो ए की जो वैल्यूज गिवन है वो हमने यहाँ पे जीरो लाई है तो हम वो इक्वेशन नंबर ये जो वैल्यूज है ए की वो इक्वेशन नंबर टू में पुट करेंगे और हमें इक्वेशन नंबर फोर मिलेगा. देन नेक्स्ट क्या करेंगे नाउ इट कैन बी इजिली शो दैट देन अब तो हम इजिली शो कर सकते हैं कि एस क्यू माइनस फोर आर टी इज ग्रेटर देन जीरो. देन फर्स्ट बोलेंगे हम फोर ए सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इंटू ए सिग्मा ईटा एक्स ईटा वाई माइनस बी स्क्योर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई ईटा एक्स ईटा वाई इज इक्वल टू फोर आर टी माइनस एस क्योर एंड सिग्मा एक्स ईटा वाई माइनस ईटा एक्स सिग्मा वाई इज एन होल स्क्योर इज एन इक्वेशन नंबर फोर एंड सीन्स एस क्योर माइनस फोर आर टी इक्वल टू जीरो सिग्मा एक्स ईटा वाई माइनस ईटा एक्स सिग्मा वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ऑल्सो वी नो बी स्क्योर इज ऑलवेज जीरो एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो. देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर फोर वी कैन यू ऑफ सिग्मा एंड ईटा इक्वल टू ए ऑफ इक्वेशन नंबर फोर गिव्स यू ऑफ सिग्मा एंड ईटा गिव्स जी अपॉन टॉइस बी एंड दैट इज यू ऑफ सिग्मा ईटा इक्वल्स टू जी ऑफ सिग्मा ईटा यू ऑफ सिग्मा एंड यू ऑफ ईटा एंड विच इज अ हाइपरबोलिक. एंड दिस इज अ हाइपरबोलिक कैनोनिकल फॉर्म. हमने फर्स्ट प्रूव किया है देन सेकेंड देखेंगे. देन केस सेकेंड क्या है हमारी केस सेकेंड है कि एस क्यूआर माइनस फोर आर टी इज इक्वल टू जीरो बोलेंगे. देन फोर आर टी इक्वल टू देन इक्वेशन नंबर वन देन इक्वेशन नंबर थ्री रियल एंड इक्वल रूट. देन इक्वेशन नंबर थ्री में हम रियल एंड इक्वल रूट लेंगे तो वो कौन से रूट रहेंगे वो रूट रहेगा अल्फा इक्वल्स टू लैम्डा एंड लैम्डा. देन हमने एक रूट लिया है रियल रूट. देन चूज सिग्मा एग्जैक्टली इज एन इक्वेशन फर्स्ट दैट इज जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सिग्मा कंसिडर किया वही करेंगे एफ ऑफ एक्स वाई एंड वेयर एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी एंड इट इज द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन किस इक्वेशन का सोल्यूशन है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लैम्डा एक्स वाई इक्वल टू जीरो एंड चूज करेंगे एक आर्बिटरी फंक्शन चूज करेंगे हम वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए. एक आर्बिटरी फंक्शन चूज करेंगे एक्स वाई का और वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए ईटा का. कौन सा चूज करेंगे हम करेंगे ईटा चूज करेंगे एंड इस विच इज अम आर्बिटरी फंक्शन एंड एक्स वाई इंडिपेंडेंट. देन प्रोसीडिंग फर्दर एज केस नंबर वन वी हैव हमने केस नंबर वन में क्या प्रूव किया था ए ऑफ सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई इक्वल्स टू जीरो
एंड एस क्यू माइनस फोर आर टी इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन नंबर फाइव में. देन दैट इज क्या हमने ये प्रूव किया, तो दैट इज मीन्स बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो एंड दैट इज बी इक्वल टू जीरो. एंड देन इक्वेशन नंबर टू रिड्यूस टू हुआ, बी की वैल्यू जीरो आई, तो क्या रहेंगे इक्वेशन नंबर टू में, सिर्फ ए रहेगा, ए ऑफ ईटा ऑफ एक्स ईटा ऑफ वाई यू ऑफ ईटा इक्वल टू जी ऑफ ईटा सिग्मा ईटा यू ऑफ सिग्मा यू ऑफ ईटा एंड यूज एन इक्वेशन नंबर सिक्स. एंड सीन्स बोलेंगे सीन्स ईटा इज एन इंडिपेंडेंट ऑफ सिग्मा एंड वी हैव ए ऑफ सिग्मा e of eta x and eta y is not equals to zero, otherwise sigma and eta are linear dependent. जब ये independent रहेंगे, जब is no, ये दोनों not, जब ये दोनों independent रहेंगे तब ये वाला equation मिलेगा, और अगर independent रहेंगे तो r मतलब वो satisfied ही नहीं करेंगे. देन therefore equation number 6 reduce to the form, कौन से form में reduce किया हमने, u of eta equals to g upon a. बिकॉज बी की वैल्यू क्या बोली हमने, जीरो. देन दैट इज हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यू ऑफ ईटा इक्वल टू इस फंक्शन को बोलेंगे हम फाइव सिग्मा ईटा यू ऑफ सिग्मा यू ऑफ ईटा एंड द फंक्शन विच इज द फंक्शन इज एन पैराबोलिक देन थर्ड कंडीशन है हमारी. थर्ड कंडीशन में हमें क्या प्रूव करना है कि वो इलिप्टिक फॉर्म में होना चाहिए, केस नंबर थ्री. वो इलिप्टिक फॉर्म में होना चाहिए. कौन सा फंक्शन, एस क्यू माइनस फोर आर टी इज लेस देन जीरो, इसको हम दिखाएंगे कि ये इलिप्टिक फॉर्म में है करके. देन बोलेंगे कि दिस इज अ फॉर्मली सेम एज द इक्वेशन नंबर, मतलब ये जो केस थ्री है सेम है पूरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट जैसे. एंड देन हम बोलेंगे इसको, ये जो थर्ड केस है वो सेम इक्वेशन नंबर फर्स्ट के साथ. देन इसकी रूट्स कॉम्प्लेक्स है एंड प्रिसीडिंग एज ए केस नंबर फर्स्ट एंड वी कैन फाइंड द इक्वेशन एंड रिड्यूस टू द फॉर्म. हम इसको रिड्यूस करेंगे कि ये कि इलिप्टिक मिले ऐसे रिड्यूस करेंगे. देन द वेरिएबल लेंगे हम, कौन से वेरिएबल लेंगे हम, यहाँ भी लेंगे हम सिग्मा एंड ईटा एंड वेयर इज एन रूट्स आर कॉम्प्लेक्स. सो क्या आएगा, सिग्मा इक्वल्स टू अल्फा प्लस आई बीटा एंड ईटा इक्वल्स टू अल्फा माइनस आई बीटा. देन देयरफॉर वी गेट द रियल कैनोनिकल. देन क्या मिलेगा हियर, अल्फा इक्वल्स टू सिग्मा प्लस ईटा बाय टू एंड बीटा इक्वल्स टू सिग्मा माइनस ईटा अपॉन टॉइस है, दैट इज कॉल्ड आई अपॉन टू सिग्मा माइनस ईटा माइनस सिग्मा. देन नाउ यू ऑफ सिग्मा इक्वल्स टू क्या आएगा, यू ऑफ अल्फा एंड अल्फा ऑफ सिग्मा प्लस यू ऑफ बीटा बीटा ऑफ सिग्मा. देन सॉल्व करेंगे यू ऑफ अल्फा एज इट इज एंड अल्फा ऑफ सिग्मा की वैल्यू 1/2 प्लस यू ऑफ बीटा एज इट इज एंड बीटा ऑफ सिग्मा की वैल्यू -1/2. तो क्या मिला यहाँ पे, 1/2 यू ऑफ अल्फा माइनस आई यू बीटा एंड ऑल्सो यू ऑफ सिग्मा ईटा करेंगे तो यू ऑफ सिग्मा एंड ईटा को बाहर लिखेंगे. देन इसकी वैल्यू हमने फाइंड की है क्या है, 1/2 यू ऑफ अल्फा माइनस आई यू ऑफ बीटा एंड विथ रिस्पेक्ट एंड रिफ्रेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू द ईटा. देन इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेंगी, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1/2 इंटू 1/2 यू ऑफ अल्फा अल्फा प्लस आई बाय टू यू ऑफ अल्फा बीटा माइनस 1/2 यू ऑफ अल्फा बीटा प्लस 1/2 यू ऑफ बीटा बीटा, दैट इज कॉल्ड 1/4 यू ऑफ अल्फा अल्फा प्लस यू ऑफ बीटा बीटा एंड हैंस इक्वेशन नंबर सेवन इज रिड्यूसेस टू द यू ऑफ अल्फा अल्फा प्लस यू ऑफ बीटा बीटा इक्वल्स टू हमने रिड्यूस किया है फाइव ऑफ अल्फा बीटा यू
u of alpha and u of beta, and which is the, and this form is an, and which is the elliptic form. The form is elliptic. हमने तीनों भी conditions देखी है, तीनों भी cases दिखे है. First case में हमने hyperbolic prove किया है, next second case में parabolic, and अभी third case में हमने elliptic form भी prove कर दिया है. Then next example देखेंगे छोटा सा. Example है, reduce the following partial differential equation to the canonical form and the solve whenever possible. Then given equations दिया है. First हम इसको दिखाएंगे कि जो हमारी जो तीनों केसेस है, कौन सी है, पैराबोलिक, हाइपरबोलिक एंड इलिप्टिक, ये फंक्शन तीनों में से कौन सा है हम फर्स्टली वो देखेंगे. देन द गिवन पीडी इज यू एक्स एक्स माइनस एक्स यू वाई वाई इक्वल्स टू जीरो, गिव देन इक्वेशन नंबर फर्स्ट. देन ही आर इक्वल्स टू, आर क्या दिया है यहाँ पे, वन वन, आर की वैल्यू कुछ इधर यू एक्सेस पे क्या है वन, देन ऐसे जीरो एंड टी दिया है माइनस एक्स स्क्वायर. एंड देन कंसिडर करेंगे हमारा फॉर्म है एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, एस की वैल्यू जीरो माइनस फोर इंटू वन इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, क्या आया फोर एक्स स्क्वायर, एंड इज एंड द एंड दिस इज अ ग्रेटर देन जीरो. एंड जब ग्रेटर देन जीरो रहता है तब हम उसको क्या बोलते हैं, उस फंक्शन को हम बोलते हैं हाइपरबोलिक. That is the partial differential equations is hyperbolic. In hyperbolic and the quadratic equations, quadratic equations क्या है इसकी, quadratic equations वो आएंगी r alpha square plus s alpha plus t equals to zero. आर की वैल्यू वन, वैल्यूज पुट करेंगे तो अल्फा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, देन अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, अल्फा इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स, हमें एक अल्फा की वैल्यू एक्स मिली एंड सेकेंड माइनस एक्स मिली, एंड देन नेक्स्ट दो मिली हमें वैल्यूज, तो फर्स्ट को बोलेंगे लेट लैमड़ा वन इक्वल्स टू एक्स एंड लैमड़ा टू इक्वल्स टू माइनस एक्स. देन फर्स्ट देन द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आ, द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या है, द सोल्यूशन इन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है डीवाई अपॉन डी एक्स प्लस लैमड़ा वन इक्वल टू जीरो, एंड सेकेंड है डीवाई अपॉन डी एक्स प्लस लैमड़ा टू इक्वल टू जीरो. देन लैमड़ा वन लैमड़ा टू की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो डीवाई अपॉन डी एक्स प्लस लैमड़ा वन की वैल्यू एक्स इक्वल टू जीरो, एंड dy upon dx minus x equals to 0. Then solve करेंगे इसको तो dy plus x dx equals to 0. That is integrating y plus x square by 2 equals to c1. That is mean twice y plus x square equals to c1. And इसको solve करेंगे तो dy minus x dx equals to 0. Integrate करेंगे y minus x square by 2 equals to c2. And this function is 2y minus x square equals to c2. And thus, इसको बोलेंगे हम सिग्मा ऑफ सिग्मा एंड इक्वल्स टू, सिग्मा की वैल्यू है ट्वाइस वाई प्लस एक्स स्क्योर, एंड ईटा की वैल्यू ट्वाइस वाई माइनस एक्स स्क्योर, गिव देन इक्वेशन नंबर टू, आर द रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन. ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन. एंड देन द चेंजिंग इक्वेशन वन, इक्वेशन वन फ्रॉम एक्स वाई को चेंज करेंगे हम सिग्मा एंड ईटा से, एंड वी गेट यू ऑफ सिग्मा 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 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस यू ऑफ ईटा 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 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस यू सिग्मा ईटा सिग्मा एक्स ईटा एक्स प्लस यू ऑफ सिग्मा सिग्मा ऑफ एक्स एक्स प्लस यू ऑफ ईटा ईटा ऑफ एक्स 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 माइनस एक्स स्क्वायर u of eta sigma 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 y square plus u of eta 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 of y square plus twice u sigma eta sigma y sigma eta y y plus u of eta eta of y y equals to zero. Gives equation number 3. हमने last theorem में देखी है ये value कैसे निकली, तो same हम यहाँ पे put करेंगे, and then
यूजिंग इक्वेशंस टू इन इक्वेशन थ्री. देन वी गेट इक्वेशंस जो टू में हमने जो वैल्यूज निकाली है सिग्मा एंड इटा की, वो इक्वेशन नंबर थ्री में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा. देन इक्वेशन टू को हम देन इक्वेशन नंबर टू की जो वैल्यूज इक्वेशन नंबर थ्री में पुट की तो हमें ये इक्वेशंस मिला. देन इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, टॉइस यू सिग्मा माइनस टॉइस यू ईटा माइनस 16x² u ऑफ सिग्मा ईटा इक्वल्स टू जीरो. इसको सॉल्व करेंगे x² u ऑफ सिग्मा ईटा इक्वल्स टू u ऑफ सिग्मा माइनस u ऑफ ईटा अपॉन 8 एंड गिव्स एन इक्वेशन नंबर 4. देन इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन 2 एंड वी गेट इक्वेशन नंबर 2 में क्या दिया है हमें, सिग्मा माइनस ईटा इक्वल्स टू टॉइस x² दैट इज मीन्स x² इक्वल्स टू सिग्मा माइनस ईटा बाय 2. इक्वेशन 2 को हमने दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया और हमें मिला है सिग्मा माइनस ईटा इक्वल्स टू टॉइस x² एंड दैट इज x² की वैल्यू जो निकाली वो हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे. देन इक्वेशन नंबर 4 बिकम्स क्या आएगा, यू ऑफ सिग्मा ईटा x² की वैल्यू है सिग्मा माइनस ईटा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू यू ऑफ सिग्मा माइनस यू ऑफ ईटा अपॉन 8. देन इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आएगा यू ऑफ सिग्मा ईटा इक्वल्स टू यू ऑफ सिग्मा माइनस यू ऑफ ईटा अपॉन 4 सिग्मा माइनस ईटा एंड विच इज अ रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म. एंड एक नोट है कि दिस कैनोनिकल फॉर्म कैन नॉट बी सॉल्व फर्दर. ओके, देन नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम. देन इस एग्जाम्पल में क्या आया है कि जो हमने इक्वेशंस लिया है वो ग्रेटर देन जीरो आया है तो हमने इसको हाइपरबोलिक बोला है. देन हम इक्वल्स टू जीरो आएगा तो उसको बोलेंगे हम पैराबोलिक. तो हम पैराबोलिक का एग्जाम्पल देखेंगे कि उसमें क्या होता है. देन हमें एक एग्जाम्पल देखेंगे. देन द गिवन पीडी इज गिवन इक्वेशंस क्या है, वाई स्क्वायर यू एक्स एक्स माइनस ट्वाइस एक्स वाई यू एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर यू वाई वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स यू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय वाई इंटू यू वाई. देन हियर देन हम यहाँ देखेंगे कि ये कौन तीन केस में से कौन सा फंक्शन है. देन हियर आर इक्वल्स टू दिया है वाई स्क्वायर, आर की वैल्यू वाई स्क्वायर है. देन एस की वैल्यू है माइनस ट्वाइस एक्स वाई एंड टी की वैल्यू दी है एक्स स्क्वायर. देन कंसिडर करेंगे हमारे इक्वेशन क्या है, s² माइनस 4rt. देन वैल्यूज पुट करेंगे 4x² माइनस y² माइनस 4y² x² एंड सॉल्व करने के बाद आएगा एंड जीरो. देन विच इज अ जीरो आया है, मतलब कौन सा फंक्शन है, ये पैराबोलिक फंक्शन है. कौन सा फंक्शन है, पैराबोलिक. द गिवन फंक्शन गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज पैराबोलिक इन नेचर. देन हमें क्वाड्रेटिक्स इक्वेशंस निकालने हैं तो क्वाड्रेटिक्स इक्वेशन निकालने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या फॉर्मूला रहता है, आर अल्फा स्क्वायर प्लस एस अल्फा प्लस टी इक्वल्स टू जीरो. देन वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ यू स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स वाई अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो मिला. देन अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ से तो अल्फा इक्वल्स टू ट्वाइस एक्स वाई प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4x² वाई स्क्वायर अपॉन ट्वाइस वाई स्क्वायर माइनस 4x² वाई स्क्वायर. देन इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा टॉइस एक्स वाई अपॉन टॉइस वाई स्क्वायर दैट इज को अल्फा इक्वल्स टू एक्स बाय वाई. देन द रिक्वायर्स देन द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या है हमारी, रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन डीवाई अपॉन डी एक्स प्लस लैम्बडा इक्वल्स टू जीरो. देन सॉल्व करेंगे हम डीवाई अपॉन डी एक्स, लैम्बडा की वैल्यू क्या है एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू जीरो. देन सॉल्व करेंगे एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल्स टू जीरो दैट इज इंटीग्रेटिंग x² प्लस y² इक्वल्स टू सेवन. दस ईटा इक्वल्स टू है x² प्लस y²
एंड सिग्मा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड एटा इक्वल्स टू बोलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड आर द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन, आर द रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन. देन हमें क्लियरली पता है कि सिग्मा एंड ईटा आर लीनियरली डिपेंडेंट फंक्शन है, ये दोनों लीनियरली डिपेंडेंट फंक्शन है. देन इक्वेशन नंबर, देन चेंज करेंगे, चेंजिंग इक्वेशन वन फ्रॉम, हम एक्स वाई को चेंज करेंगे काय में, सिग्मा एंड ईटा में. देन वी गेट, हमें क्या मिलेगा, सिग्मा एंड ईटा में हमने चेंज किया तो हमें क्या इक्वेशन मिलते हैं, यू स्क्वायर ऑफ यू ऑफ सिग्मा सिग्मा. देन नेक्स्ट क्या करेंगे हम, चेंजिंग एक्स एंड वाई को हमने चेंज तो किया है कि सिग्मा एंड ईटा से. देन जो हमारा इक्वेशन नंबर वन है उसमें, जो हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने जो दिया है, जो हमारा फर्स्ट गिवन इक्वेशन है उसमें हम वाई स्क्वायर एज इट इज रहेगा, उसमें है यू एक्स एक्स. यू एक्स एक्स की जो वैल्यू है हमने सिग्मा एंड ईटा के फॉर्म में हमने ये निकाली है. देन माइनस ट्वाइस एक्स एज इट इज. देन नेक्स्ट वैल्यूज हमने ये निकाली है एक्स, जब हमने एक्स वाई को चेंज किया है सिग्मा एंड ईटा से तो हमें ये इक्वेशन मिलेगा. देन इसको इक्वेशन नंबर थ्री बोलेंगे. देन इक्वेशन नंबर थ्री, जो इक्वेशन नंबर टू निकाला है, इक्वेशन नंबर टू को इक्वेशन नंबर थ्री में रखेंगे. देन वाई स्क्वायर, देन यहाँ पे सिग्मा यू ऑफ सिग्मा सिग्मा एज इट इज रहेगा. देन सिग्मा ऑफ एक्स, जो इक्वेशन नंबर टू है उसमें सिग्मा है एक्स, सिग्मा को एक्स से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टॉइस फोर एक्स स्क्वायर मिलेगा. देन एज इट इज ऑल इक्वेशन हम निकालेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगा एंड इज इक्वल्स टू जीरो बोला है हमने. देन इसको सॉल्व करेंगे तो ऑल टर्म्स आर कैंसल, ओनली वन टर्म इज रिमेनिंग जो है 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यू ऑफ सिग्मा सॉरी यू ऑफ ईटा ईटा इक्वल्स टू जीरो, ये टर्म बचेंगी, बाकी ऑल टर्म्स आर कैंसल, एक मेक के साथ वो सब टर्म्स कैंसल हो जाएंगी. देन इसको सॉल्व करेंगे तो ये टर्म्स इधर जाएंगे तो जीरो हो जाएंगे, तो ओनली रिमेनिंग यू ऑफ ईटा ईटा इक्वल्स टू जीरो एंड दिस इज द रिक्वायर्ड, दिस इज द रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म. एंड देन इंटीग्रेटिंग, देन ये फंक्शन जो मिला हमें यू ऑफ ईटा ईटा, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द ईटा से, हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या फंक्शन मिलेगा, यू ऑफ ईटा इक्वल्स टू एफ ऑफ सिग्मा. दिस इज हमने ये फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन आर द इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट बोलेंगे. देन नेक्स्ट ऑल्सो इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ईटा तो क्या रहेगा, यू इक्वल्स टू एफ ऑफ जीटा एफ ऑफ सिग्मा ईटा प्लस जी ऑफ सिग्मा. देन दिस फंक्शन इज यू इक्वल्स टू एफ ऑफ, हमने सिग्मा को क्या बोला है, क्या वैल्यू थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड ईटा की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. एंड अभी ये हम अभी अभी तक पहले कौन से फॉर्म में था, ये सिग्मा एंड ईटा के, अब हमें मिल गया एक्स एंड वाई के फॉर्म में. एंड देन दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस एंड एफ एंड जी आर द ट्वाइस कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल. क्या बोलेंगे हम, एफ एंड जी आर ट्वाइस कंटिन्यूअस डिफरेंशियल इक्वेशन. एफ एन जी है ट्वाइस कंटिन्यूस डिफरेंशियल इक्वेशन, दो बार हमने डिफरेंशिएट किया है तो. देन हेंस प्रूफ्स, यहां तक समझे, देन थैंक यू गाइज.